डॉक्टर बी आर अंबेडकर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति के मंच से समाज ने भवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि को कैबिनेट में मंत्री पद दिए जाने की मांग उठाई। संविधान निर्माता बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर पूर्व संध्या पर कैबिनेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक विशंबर वाल्मीकि को पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं से जोरदार अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम विधायक विशंबर वाल्मीकि समिति के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार, महासचिव राजेश बुहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुटेल व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहब के चित्र पर मोमबत्ती प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देखिए, बाबा साहब संविधान रचयिता, तो हमने यहाँ बैठे समाज के लोगों को उससे अवगत करा है। बाबा साहब की दी हुई शिक्षाओं पर चले और बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हों उन पर चले तो समाज तभी जो है ऊपर उठ सकता है। मंच के माध्यम से मंत्रिमंडल में लिए जाने की मांग की है, तो किस प्रकार से देखिए वो मांग, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ये जो है समाज के लोग यहाँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शिक्षा प्रचार समिति द्वारा आज जो बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस मनाया गया उसके माध्यम से पूरे के पूरे छत्तीस बिरादरी के समाज को, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को एक ही संदेश है कि वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, बच्चों के हाथ में कलम के अलावा दूसरी कोई चीज़ ना हो तो शायद एक हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकें। तो इसके अलावा कुछ डिमांडें भी आप लोगों ने रखी है, क्या कुछ रही है? जैसा कि ऐसी समाज अपने आप को हर बार ठगा हुआ सा महसूस करता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई ना कोई प्रतिनिधि जो हमारी आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंजे, तो इसके लिए हमने माननीय विशंबर वाल्मीकि जी को, जो कि दूसरी बार भाजपा सरकार में विधायक बनकर आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि विधायक जी हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस करें। समिति किस तरह से आगे कार्य करेगी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में? समिति शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम घर घर जाएंगे, शिक्षा का प्रचार करेंगे, छत्तीस बिरादरी में समझाएंगे समाज को कि समाज नशे से बुराइयों से दूर रहे और आज का युवा अपनी वोट की शक्ति को, अपनी शिक्षा की शक्ति को पहचाने। शिक्षा के माध्यम से अगर बच्चे आईएएस आईपीएस बनकर निकलेंगे तो शायद उन्हें बाजारों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और एक अच्छे समाज का हम निर्माण करेंगे।